अभी हम लोग यहाँ पे खड़े और कहाँ जाना है ऊपर देखो, ये जो आप ऊपर मंदिर देख रहा है ना, इतना जाना है, ये पूरा चढ़ के जाना है। जबरदस्त लगने वाली है। आज हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग जा रहे हैं चांपानेर माता जी का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और इस बार हमारे साथ हैं वीडियो में आशु एश लाइव से अंजलि, और इस बार हमारे साथ अंजलि की मम्मी भी आई है। पहली बार कैसा रहा अभी तक का सफ़र, मजा आया? अच्छा लगा लेकिन थोड़ा बोर भी लगा। हमने डेढ़ घंटा को ट्रैवलिंग कर लिया है, बड़ौदा के पास पहुँच गए और इंट्रो हो गया हमारे वीडियो का। तो अभी यहाँ पे रुके नाश्ता करने के लिए, हाईवे पे ये नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वन है, तो वहीं पे नाश्ता और चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं। तो हफ्ते आगे हमारा जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें भी हम यही रेस्टोरेंट पे आए थे, यहीं पे रुके थे और इसी टेबल पे बैठे थे, और आज वापस ये हमारा 51st व्लॉग है। 50 व्लॉग ऑलरेडी हमारे चैनल पे हो गए हैं, वापस यहाँ पे आए और इसी टेबल पे बैठे हैं। या अंजलि पराठे अच्छा मैंने बनाया तो अच्छी होंगी, आपको अच्छा लगे? मस्त बने, मस्त बने। आपकी तो बेटी या भाई बोलोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बोल भी देती हूँ। बकवास, भिंडी नहीं अच्छी लगी, ज्यादा भिंडी अच्छी लगी। मुझे जबरदस्ती वीडियो ऑन करवा के बीच खाने में बुलाया जा रहा है कि पराठे अच्छा, ऐसा वीडियो में बोल दो। समझ रहे हो आप, मतलब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ये तीनों पराठे जहाँ पर। ठीक है चलो मिलते हैं। चलो अच्छा है तो जल्दी नाश्ता कर लिया, अभी बज रहे हैं 10 और अभी पावागढ़ यहाँ से दिखा रहा है 1.5 आवर्स, मतलब 11:30 तक हम लोग पहुँच जाएगा अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, कितना ट्रैफिक मिलता है रास्ते में। अनु एक्टिंग एक्टिंग करो, अनु एक्टिंग। टेक टू लिया जा रहा है। टेक टू ऑफ द सेम कन्वर्सेशन। पहले टेक में 15 मिनट बातें की, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वापस ट्राई करेंगे 15 मिनट बातें करने की। मुझे मेरी बहन को तूने ओवरटेक कैसे किया? मुझे लगा तो ऐसा बोले की एक गाय को मैंने ओवरटेक किया, दूसरी तरफ से एक गाय ने मुझे ओवरटेक किया। वो आ रही है स्केटबोर्ड पे, मुझे ओवरटेक करके गई। रास्ते बहुत ही मस्त थे, गोल गोल रास्ते, अभी तो बहुत बढ़िया हो गया। हम लोग आधा रास्ता ऊपर चढ़ के आ गए, बहुत सिकजैक वाला गोल रास्ता आपने देखा होगा, मेरे पीछे जो है पहाड़, वहाँ शायद वहाँ ऊपर जाना है, अभी तो देखते हैं, अभी काफ़ी आधे रास्ते और ऊपर जाना है। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ मुझे ऐसा लगा। कैसा लगा रास्ता? अच्छा लग रही है, गोल चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है बहुत से, क्योंकि इतनी हाइट पे आए और बहुत गोल गोल रास्ता है और ढलान वाला है काफ़ी। तो फाइनली ऊपर तक आ गए, 50 रुपये पार्किंग के, और बहुत ही ज़्यादा भीड़, एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा कार है। तो अगर आप सैटरडे या फिर संडे आ रहे हैं तो ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ये पार्किंग पूरी नीचे तक लाइन है। तो अभी हम लोग चलते हैं रोप वे की टिकट लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से हम रोप वे से जाएंगे मंदिर के लिए। सो लेट्स गो। तो यार
यहाँ पे टेम्परेचर चेक होता है, उसके साथ साथ सैनिटाइजर से भी क्लीन करवाना है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इतनी सारी भीड़ में भी ये सब ये लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हम चार लोगों की टिकट का जो टोटल है वो 566 हुआ है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं एक बंदे का कितना है। पे देखो बूमरंग ये वीडियो बना रहा है, ये बूमरंग। आप डरी हुई क्यों हो? नहीं मैं तो नहीं डरी। नहीं डरे हुए ना? मम्मी नहीं डरती। अब आपको दिखाता है बाहर के नजारे। मतलब बादल के बीच, लेकिन मैं अपने आप को बिजी कर रहा हूँ फोटो लेते हुए। और ये ना थोड़े थोड़े टाइम पे, मतलब जब ऐसे जंक्शन पे यहाँ से निकलेगा ना, तब वो पूरा वाइब्रेट होता है, तो डर लगता है थोड़ा सा, ऐसा लगता है नीचे। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कितना गहरा है ये। ओ माय गॉड, ये बहुत ही नीचे गहरा है। और ये पर राइड बहुत मस्त है, मजा आ रहा है आपको? मजा तो क्या। ये देखो गाइस कितना ऊपर है, कितना मस्त है ये पूरा। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। डर के अंत हो गया, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। और ये दरवाजा खुल गया, अब निकलते हैं बाहर। और पहुंच गए फाइनली बाहर। हर चीज़ को ये लोग सैनिटाइज करते हैं, मतलब जब भी कोई नया आता है रोड पे, ये पूरा यहाँ से सैनिटाइज होता है। यू कैन सी सैनिटाइज हो रहा है पूरा। बहुत ही अच्छी बात है कि ये लोग जब भी रोड पे से कोई बंदे नीचे उतरते हैं, ये लोग रोड पे सैनिटाइज करते पूरा। कैसा है मजा आया? इतना क्यों डर रही थी तू? क्या हो गया? पसीने तो मुझे भी आए, पर इतना डर नहीं लगा मुझे, तो मजा आया देखने में। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी रह रहा था। बहुत ही मजा, ऑसम व्यू था, ऑसम। मतलब थोड़ी गर्मी ज्यादा थी, बट वर्थ। नीचे जितनी कार की भीड़ दिख रही थी उसके कंपेयर में काफी खाली है, क्योंकि मैंने अभी एक यूट्यूबर का पहला वीडियो देखा था संडे वाला, और जब वो संडे को आया था तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सांस फूल रही है थोड़ी सी, बट अच्छा है। और ये मार्केट पूरा खुला हुआ है, यहाँ पे शेड्स लगे हैं, तो अगर धूप है या फिर बारिश हो रही है तो अच्छा रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े, और कहाँ जाना है ऊपर देखो, ये जो आपको ऊपर मंदिर दिख रहा है ना, इतना जाना है, ये पूरा चढ़ के जाना है। जबरदस्त लगने वाली है। सीढ़ियाँ तो नहीं, सीढ़िया ही है, ऐसी जो सीढ़िया है ना, ऐसी सीढ़िया पूरी वहाँ तक। और हमें ये पहाड़ के ऊपर गंदे पानी वाली झील मिल गई। अरे वो देखो, अभी तो कहीं नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा अभी तक। हमने थोड़ा ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था इन चीजों को। नहीं, बहुत तो ऊपर एकदम मजे में आऊंगा। अभी भी वहाँ ऊपर जाना है। मैं तो सोच रहा था कि वो अपने दो चार जो मस्जिद है उधर घूमेंगे हम, और लास्ट टाइम हम पैदल गए थे, इस बार गाड़ी लेके जाएंगे, तो और भी हमें चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम 16,000 स्टेप्स हो गए थे। हाँ।
लेकिन यहाँ नहीं पता था मंदिर नहीं आए थे ना लास्ट टाइम। 3 hours later आगे मंदिर के लिए सीढ़ियाँ, वहाँ ऊपर मंदिर है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है। ब्रेक नहीं गाड़ी। ये वो झील जिसकी बात कर रहा था, पानी बहुत गंदा है और नीचे कुछ नहीं दिख रहा, पूरा बादल है। नहीं देखो इन दोनों के चेहरे, लगा है थोड़ी सी जिंदगी बची है इन दोनों की। अंदर तेरे सर पे क्या है ये कीड़ा? वो मस्त लग रही है, देखो कीड़ा। और ये अंजलि कीड़ा। अरे यार तुम हट जाओ। पूरा यहाँ मंदिर में कोहरा कोहरा हो गया, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है बादल के बीच में। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए बहुत ही ऊपर, और रास्ते में यहाँ पे काम भी चल रहा है, चप्पल बाहर निकाल लें। और ये रहा मंदिर, शायद अंदर शूट करेंगे, देखें। तो मंदिर में दर्शन करके आपको मैं वापस मिलता हूँ।